मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा में के बोर क्षेत्र में 1970 में अभयारण्य घोषणा सरकार ने की थी। उन वर्ष 2012 में अभयारण्य की घोषणा करते हुए प्रस्तावित अभयारण्य की सीमा भी बढ़ाई गई। इस अभयारण्य के बनाए गए जाने के क्रम में लगभग 40 गांव की अधिग्रहित किया जा चुका है और करीब 10,000 पशु भी इससे प्रभावित हुए हैं, जबकि इस क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय दूध उत्पादक है। अधिग्रहित क्षेत्र में पशुओं को चराने हेतु जाने पर पशुओं को वन विभाग द्वारा जब्त कर लिया जाता है और किसानों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दिए जाते हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्य है। महोदया, चारागाह का क्षेत्र कम हो जाने के कारण पशुधन को किसानों द्वारा बाध्य होकर कसाई को बेचा जाना लगता है। दूध उत्पादक को गहरा झटका लगा है। मुझे आपसे आग्रह है कि दूध उत्पादकों किसानों के विरुद्ध दर्ज किए गए आपराधिक प्रकरण को वापस कराते हुए किसानों को अधिग्रहित भूमि को पशुओं के चारागाह के प्रयोग करने की अनुमति दी जाए।